वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शिवपुरी राजेश सिंह चंदेल द्वारा अपराधों के निकाल हेतु और चोरी के प्रकरणों में आरोपियों की गिरफ्तार और माल की बरामदगी हेतु लगातार निर्देशित किया जा रहा था, जिसके तारतम्य में पुलिस थाना अमोला द्वारा डकैती की सूचना बनाते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार कर पूछताछ की गई, तो कई आरोपियों द्वारा कई चोरी की वारदातों को अंजाम देना स्वीकार किया। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक शिवपुरी प्रवीण कुमार भूरिया, SDOP करेरा संजय चतुर्वेदी के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी अमोला संतोष भार्गव द्वारा मुखबिर सूचना पर से डकैती की घटना को रोकते हुए 3 लोगों को गिरफ्तार किया है। शिवपुरी से यूसुफ खान की रिपोर्ट। शहर की है, बाकी और हम लोग वेरीफाई कर रहे हैं उनके पार्ट से, क्योंकि अलग अलग इंजन नंबर सब नंबर चीजों को चेक कर रहे हैं, लेकिन ये है ज्यादातर शहर और आसपास की। शिवपुरी भागने लगे तो इनको पकड़ने में 3 बदमाशों को पकड़ा गया है और 2 बदमाश जो है वहाँ से भागे। पटेला बोर्ड का कट्टा मैराउन, एक 12 बोर्ड के अरबिया मैराउन, वो एक सिद्धार्थ शराब जब दिए गए हैं। इसमें थाना मला में केस भी रजिस्टर्ड किया है। 349 अमित भदौरिया, इन लोगों ने काफ़ी दिन से जब जानकारी उठाई थी तो कहीं से ये जानकारी आ रही थी कि एक मैकेनिक जो है वो पार्ट्स बदलता है और वो चोरी करवाता है, तो वो मैकेनिक को भी पकड़ा है, उसके 3 साथी पकड़े हैं, 4 लोग पकड़े हैं, 18 मोटरसाइकिलें इनसे मिली हैं और 5 गाड़ियों में मोटरसाइकिलों के इंजन भी मिले हैं जिनको ये बदल देता था, तो जाके बाद में पहचान नहीं होती थी, और ये अच्छी गैंग हमको मिली है इसमें, तो इनमें भी हम ये पता कर रहे हैं। इनमें से अभी तक 4 गाड़ियां जो हैं शहर की होना पता लगा है, बाकी गाड़ियों को भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं, वो अलग अलग पार्ट्स हैं, और ये सफलता भी बहुत अच्छी जो हमारी थाना कोतवाली की पुलिस ने पाई है। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।